क्या खूबसूरत नज़ारा। गाड़ी मत ले ये भाई, छोड़ो, डर रहा है। सामने टाइगर, और अभी ये चढ़ा देखो ऊपर को। हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइज मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे ही होंगे। तो फाइनली गाइज आज थोड़ी आ चुका हूँ एक डिफरेंट लोकेशन पर, पहाड़ों पर, और आप चेक कर सकते हैं अभी इस जगह का वेदर। देख रहे हैं किस तरह से एकदम प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ, और अभी ना हल्की हल्की बूंदें सी भी आ रही हैं इस फॉग के साथ में। वैसे तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कि आज सुबह के समय हमें एक अपडेट मिली है कि उस जगह पर एक अटैक हुआ है। अब वो अटैक टाइगर ने किया है या लेपर्ड ने, ये कह पाना अभी थोड़ी कंफर्म नहीं है, बट जैसे हम उस जगह पे जाएंगे तो ये चीज़ें सामने निकल कर आ जाएंगी कि क्या चीज़ें थी और क्या नहीं। और बता देता हूँ, जो अटैक हुआ है वो किसी एक महिला पे हुआ है, और जो हुआ है कहीं हरड़ा के आसपास में। तो थोड़ी जिम कॉर्बेट के जंगल से अभी हम बाहर निकल कर आए हैं पहाड़ों की तरफ, और इस जगह पर जो साइटिंग होती है गाइस वो होती है लेपर्ड की। तो इसलिए थोड़ी मैं कह रहा हूँ कि अभी हो सकता है कि वो लेपर्ड अटैक भी हो सकता है, बट अभी है क्या कि जिम कॉर्बेट में जिस तरह से वाइल्ड लाइफ टाइगर के जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टाइगर भी थोड़ी हल्के हल्के पहाड़ों की तरफ को आता जा रहा है। आपने कई अटैक देखे होंगे टाइगर के गाय पर, ह्यूमन बींस पर, पहाड़ों में, कई ऐसी ऐसी जगहों पर जहाँ पर कि कभी सोचा भी नहीं होगा कि टाइगर उस जगह पर जा कर के कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देगा। तो अभी मैं तो था सामने, आप चेक कर सकते हैं, ग्राम पंचायत अजोली मल्ला में। तो अभी इस जगह पे आया हूँ और इस जगह से आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। और बाकी गाइस आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर कंटेंट में बने रहें, और साथ ही अगर आप चैनल पर हैं नए तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपना जो कमेंट है गाइस वो ज़रूर करें। बाकी आपको दिखाता हूँ एक यहाँ का वेदर और जो अपडेट है वो। तो चलो चलते हैं आगे, और आप जरूर बने रहिएगा गाइस कंटेंट में। जिम कॉर्बेट से हटके थोड़ी इस जगह पर आप चेक कर सकते हैं किस तरह का वेदर है। मतलब सुबह तक तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी अच्छा माहौल, अचानक से ही जब आगे निकल कर आए ना थोड़ी पहाड़ों की तरफ, तो आप चेक कर सकते हैं सामने विजन किस तरह का है। तो गाइस कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम जैसे ही आगे चल रहे थे, जैसा कि मैंने अजोली से ही इस कंटेंट को स्टार्ट किया था, तो मुझे सामने मिले हैं अंकल जी जो कि आगे की तरफ से आ रहे थे। तो थोड़ी इनसे पूछते हैं क्योंकि हमने इन्हें रोका हुआ है अभी। तो सबसे पहले नमस्कार अंकल जी। नमस्कार, नमस्कार। तो अंकल जी थोड़ी आज हम आए थे पहाड़ों की तरफ क्योंकि हमें कुछ घटना का अपडेट मिला था इस जगह से, जो कि हरड़ा के आसपास ही कहीं ये घटना सुनने को मिली, लोहेड़ा। तो ये घटना हुई है, मतलब जो हुई है सुबह की बात हुई है। वो बकरी चराने के लिए गई थी लेडीज, और उसको जो है बाघ ने उस पर हमला कर दिया। अच्छा जी। और उस पर कम से कम 2 नाखून लगा दिए, और भवनखाल हॉस्पिटल में, मैं तो खुद हॉस्पिटल में ही था। अच्छा। वहाँ उन्होंने उसको वो नहीं लिया, उन्होंने आगे रेफर कर दिया रामनगर को। मतलब सिचुएशन क्रिटिकल थी, खतरनाक सिचुएशन क्रिटिकल है, तो वहाँ रेफर रामनगर के लिए कर दिया है। और जो है मैं तो चश्मे वहाँ पर था, हॉस्पिटल में ही काम कर रहा था बिजली का। अच्छा अच्छा। और वहीं पे ही जो है लेडीज आई थी, मेरे सामने की बात है। अच्छा। काफी उसका ब्लड जो है काफी निकल गया ब्लड। अच्छा, ये सुबह का कौन सा समय रहा होगा? सुबह लगभग ये मान के चलो 9 बजे की समथिंग का है मामला, 9:30 बजे का। अच्छा। हाँ, बकरी चलाने के लिए गई थी गधेरे में, वहाँ पर अगल बगल में गाँव में तो गधेरे होते ही। हाँ, गाँव में, पहाड़ों में, पहाड़ों में गधेरे बकरी चुगाने के लिए गई थी, वहाँ उस पर अटैक कर दिया। उसके बच्चे भी है ना साथ में। अच्छा। वो जो बाघ है उसके बच्चे भी है, उस पर अटैक कर दिया उस पर। अच्छा जी। तो अभी
जो वहाँ का कुछ माहौल किस तरह का हो रहा है अभी लोगों में? इस समय तो वहाँ के प्रधान और वो तो इस समय जो है वही चले गए हैं रामनगर लेके। अच्छा। प्रधान भी थे वहाँ पे और सारे लोग थे, वो लोग वहीं चले गए हैं। अभी देखो रामनगर से अभी सूचना आएगी, प्रधान भी और सारे जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो सारे लोग वहीं चले गए हैं पूरे गाँव के। अच्छा जी। मतलब 10-15 लोग गए हैं वहाँ, और लेडीज जो है, लेडीज हो लगभग ऐसी है 45-46 साल की, 45-46 साल की है लेडीज है। और उसको जो है कर दिया। ये दरअसल में यहाँ डेली का ही है, रोज का, लेपर्ड का ना, लेपर्ड का रोज का है। बाकी टाइगर तो इस जगह पे नहीं है। टाइगर नहीं है, वही है वो बाघ ही हो, मतलब टाइगर ही है। अच्छा। और अभी है क्या कि थोड़ी ना गाड़ियाँ भी आ रही हैं, तो हम सड़क में ही थे, थोड़ी वो डिस्टर्बेंस हो रहा था। बाकी अंकल जी उतर चुके हैं, थोड़ी चीज़ें हमें बता रहे हैं, तो आप लोगों को अंकल जी की मुँह जुबानी, जो कि यहाँ के लोकल हैं, बाकी हमसे बेहतर तो अंकल जी ही बता पाएंगे। हमने तो कई बार देखा यहाँ पर रात को शाम को, तो हम यहाँ 5 बजे से अपना पूरा सामान लेके चले जाते हैं, जो दुकान में भी जाते हैं। हाँ। तो पूरा दहशत का माहौल है, पूरा दहशत का माहौल है इधर। जैसे ही 5 बजते हम सब अपने अपने घरों में निकल लेते हैं, क्योंकि बाघ तो आए दिन, कोई कभी कुत्ते को ले जा रहा है, कभी बाघ को ले जा रहा है। परसों की घटना है ये, आज से 2 दिन पहले के तड़म में एक भैंस को, भैंस पा उसमें आक्रमण किया। अच्छा। ये तड़म पे ही, वो तड़म सलण जो है कहते हैं, तड़म और सलण यहीं पे है भोनखाल के सामने। हाँ। वहाँ पे अटैक किया उसने, और अब ये आज ये मतलब कम से कम 3री-4थी घटना घट गई है यहाँ डेली का है। मतलब 2-3 दिन में छोड़ के डेली कुछ न कुछ हो ही रहा है। तो जो महिला है उनका फैमिली का क्या सीन है? सीन क्या है, बेरोजगारी है, वो भी बेरोजगार है, करेगा फैमिली है उनकी। हाँ, फैमिली है, बच्चे भी हैं, और करेंगे आप कहीं ना कहीं व्यवस्था। जंगलात से देखो, जंगलात वालों को तो अभी सूचना दी है। हाँ। अब जंगलात वाले क्या करेंगे, वो तो खाली आंसू। हाँ, वही है कि अब वो तो आगे की फॉर्मेलिटीज जो है वो कंप्लीट करेंगे, जो चीजें होगी। चाहिए कि यार यहाँ पे जो है ना टाइगर रिजर्व तो बना रखा है, परंतु उसके लिए कि यहाँ गाँव में कोई सुविधा नहीं है। यहाँ टाइगर रिजर्व तो बना रखा है, हम भी जो यहाँ खड़े हैं ये भी टाइगर रिजर्व में ही आती हैं चीजें, परंतु यहाँ वो भी नहीं है कि जो कोई सुविधा यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई दिया जाए, यहाँ पे कुछ नहीं। अब कार्रवाई तुम्हारी होगी 20 दिन 30 दिन, 2 महीने 4 महीने 6 महीने 10 महीने, और वो बाद जो आएगा वो मतलब हाथों हाथ कोई ऐसा वो नहीं है कि जो कि कोई कहाँ से करेगा आदमी। मतलब बकरी तो खुद चराने के लिए, अपने रोजगार के लिए करना है, परंतु अब जो है समस्या बड़ी। तो मतलब आज शाम को फिर से कुछ ना कुछ करेगा फिर लेपर्ड, उसका कोई, क्योंकि उसके साथ में तो उसकी फैमिली है ना, बच्चे हैं। हाँ, हाँ। अगर वो खुद के लिए नहीं तो बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ करेगा। बच्चे भी है ना उसके साथ। हाँ। तो अटैक कर रहा है, और नहीं तो ऐसे बाघ तो यहाँ पर घूमते रहते हैं, परंतु वो जो है कुत्तों को ले जा रहे हैं और चीज को ले जा रहे हैं, परंतु आदमी पर बहुत ही कम आक्रमण कर रहे हैं। परंतु आज ये दूसरी तीसरी घटना घट गई। दूसरी तीसरी घटना कितने दिनों बाद हुई? लगभग 4 या 5 महीने बाद एक बार बोर्ड में किया था उसने। अच्छा। बोर्ड में भी किया था, तो उसमें 2 आदमियों पे। अंकल थोड़ी बारिश आ गई है, क्या उसके नीचे को चले? बिल्कुल, है ना, बारिश भी आ रही है। अंकल जी काफी कोऑपरेट कर रहे हैं। देखो गाइस, बारिश काफी तेज आ रही है, माहौल थोड़ी ये है ना कि अगर अंकल की जुबानी चीजें आपको सुना पाए तो वो बेहतर है। हमारी कोशिश यही है कि ये दूसरी घटना है, कुछ टाइम पहले बौड़ गांव बताया अंकल जी ने, यहाँ पर होता रहता है, मतलब 3-4 महीने में कोई ना कोई हो रहा है। और अब तो ये ज्यादा ही हो गया, क्योंकि यहाँ क्या काम कर रहे हैं कि जैसे कहीं बाहर से बाघ उठा के यहाँ ले आ रहे हैं, ये भी है ना अभी सरकार का, कि जैसे ये क्या काम कर रहे हैं कि जैसे यहाँ से कोई बाघ पकड़ा, जैसे यहाँ उसने कुछ अटैक कर दिया, इसको कहीं और जगह छोड़ दे रहे हैं। अभी मैं बताऊं आपको एक घटना, अभी जो नई हुई है 1 जून का, मैं बताता हूँ आपको। जिम कॉर्बेट से अभी 2 बाघ जो रेस्क्यू सेंटर में भेजा थे ढेला में, जिम कॉर्बेट वालों का रेस्क्यू सेंटर है, वहाँ पे जो आदमखोर बाघ है उनका ट्रीटमेंट करवाया जाता है, बट अभी 1 जून को 2 बाघों को यहाँ से भेजा गया है देहरादून जू में, क्योंकि उनकी जो अभी स्वास्थ्य था वो तो ठीक है, बट जो उनकी एक्टिविटी है वो सही नहीं है, आई थिंक, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही ह्यूमन बींग्स पे अटैक कर चुके हैं, अपना शिकार उन्हें बना चुके हैं, तो अभी वैसे तो ठीक है वो शारीरिक, उन्हें अभी जू में भेज दिया है, क्योंकि उसमें से एक जो बाघ था इधर अपने सरफदुली मतलब पनोत के नाले के आसपास में उससे अटैक किया था, तो एक बाघ तो वो है और एक बाघ दूसरा है, तो 2 बाघ अभी वो जू में भेजे हुए हैं। तो अब ये यहाँ के अब इधर का जो पहाड़ों का है, इधर का तो थोड़ी से ट्रैक करना भी काफी मुश्किल हो जाता है ना, पहाड़ों में कहाँ चढ़ जाता है वो। अब वहाँ तो आज पूरी दहशत होगी, आज तो कोई भाग उधर निकलेगा भी नहीं घास। हम लोग भी क्या है कि जैसे
हमारे घर पे भी है जानवर, तो हमारे घर में भी है, पर हमको घास के लिए तो जाना ही पड़ेगा। अब क्या पता वो कहाँ पे छिपा है, एक बाघ थोड़ी है, कई है, यहाँ तो शाम को दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों में तो बाघों का ही है ना सबसे ज्यादा खतरा। यहाँ जब से कॉर्बेट नेशनल जब से बना ना, कोई सरकार की कोई ऐसी नीति नहीं हुई कि जो यहाँ पे भी उनके संरक्षण के लिए, आदमियों के संरक्षण के लिए भी तो चाहिए कुछ ना कुछ, वही है जानवरों का। जानवरों का है अगर भाई, जानवरों का हम तो कह रहे हैं ठीक है वो उनको भी वो करें, उनको भी प्राथमिकता होनी चाहिए, मगर इंसानियत भी चीजें होनी चाहिए। तो चीज है ना, सरकार को कम से कम उसमें पहल करनी चाहिए, चाहे कोई जंगलात वाले हैं उनको भी करनी चाहिए। अब वो भी जैसे फोन कर दिया था, अभी वो पहुंचे नहीं है यहाँ, उनको फोन कर दिया था जंगलात वालों को कि भैया यहाँ ऐसी ऐसी घटना घट गई, अभी तक वो कह रहे थे हम आपको मोहन में मिलेंगे या रामनगर में मिलेंगे, तो सीधे वहीं हॉस्पिटल ही चले गए। अब अगर वही है कि आप वो ज्यादा चोटिल होंगे तो ऐसा भी नहीं है कि रामनगर वाले उनका ट्रीटमेंट करेंगे, वो भी रेफर कर देंगे आगे। रेफर कर देंगे अगर किसी की भैंस को वो दांत हाथ लगा दे रहा है, भैंस जैसे परसों तो एक भैंस ही मरी है, परंतु उनको आप ये कहा कि फोटो फोटो खींच के ले आओ, परंतु यहाँ पर आकर के कुछ पब्लिक को भी तो करना चाहिए ना उन्हें। तो वो अटैक के बाद तो मेरे ख्याल से फाउंडेशन वाले करते हैं वहाँ पे उसका मुआवजा जो होता है, मुआवजा। अब वो ये आंसू पोंछने का काम तो है, ये बाकी और कुछ नहीं है। बाकी तो जो हो रहा है रात को यहाँ भगवान भरोसा है, दिन में बंदरों ने कर देना है पूरा, जो खेती पाती है वो बंदर कर दे रहे हैं, शाम को वो बाघ कर दे रहा है। तो अंकल जी थोड़ी देखते हैं फिर आगे कितना किलोमीटर है। अभी लगभग 10 किलोमीटर आगे है लोहेड़ा गांव है, और लोहेड़ा में तल्ला लोहेड़ा है, मल्ला लोहेड़ा नहीं, मतलब मेन सड़क से कितना, मेन सड़क पे ही है, मेन सड़क पे ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो जो महिला थी वो मेन सड़क से कितनी दूरी पे थी जो बकरियां चुगाने गई थी, उनके फॉरेस्ट के मतलब उनके जो वो होते हैं ना, मतलब जो उनके गांव के जो वाले भूमि होती है, जो चरागाह चरागाह होते हैं ना हर गांव के, तो उसी में चरा रही थी वो गधेरे में, वहां उनका पानी भी होगा या वो इधर कहीं, ज्यादा दूर नहीं थे क्योंकि आजकल तो हर जगह घास हो जा रही है। अब तो बरसात का सीजन आ गया ना, बरसात का सीजन है, तो वहीं पर थी, कोई ज्यादा दूर नहीं थी, परंतु अब वो जो है वो काफी ब्लड उसका बहा है, मैं तो खुद चश्मदीद हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ। आपने देखा है, मैं हॉस्पिटल में खुद, मेरे सामने वो आई थी वहां पे, और उसमें हमारे ही जाने पहचाने, भले ही चाहे हम वैसे नहीं जाने परंतु वैसे पूरे जानते हैं, परंतु जो है उसको काफी जो है मतलब चोटिल किया है, जख्मी कर रहा है उसका। अब देखो वैसे क्या पता, हम तो भगवान से कामना करते हैं कि ठीक हो जाए। हाँ बिल्कुल, हमारी कामना भी यही होगी कि वो स्वकुशल ठीक हो, सारी चीजें पहले वाली स्थिति में आ जाए अपनी। तो ये लेपर्ड का लग रहा है, टाइगर। हाँ नहीं, वो टाइगर है, बाघ है वो, टाइगर है। हाँ टाइगर है, लेपर्ड नहीं है, टाइगर है वो, बाघ। अच्छा, जिसको मतलब उसके बच्चे भी हैं, बोल रहे थे कि उन्होंने देखे हैं बच्चे। अच्छा, अब जो लोग वहाँ पे उस पॉइंट में होंगे वो कह रहे थे कि बच्चे भी हैं दो। ये टाइगर है ना, लेपर्ड नहीं है, लेपर्ड नहीं है। अच्छा, तो वही वही कंफ्यूजन था, टाइगर आ रहा है इस जगह पे। हाँ इतना नहीं करता वो, टाइगर ही बता रहे थे कि बाघ का ही है, क्योंकि हमारे वहाँ दर्शन में टाइगर को बाघ ही बोलते हैं। हाँ पहाड़ों में टाइगर को बाघ बोल देते हैं, थोड़ी लेपर्ड हो उससे थोड़ी नहीं है, वो टाइगर वही है, बाघ ही है, तो जो है वो उस पर आक्रमण कर, स्थिति गंभीर है। हाँ गंभीर है, हम तो हर किसी से बोल रहे हैं कि भैया 5 बजे बाद अपने अपने जगह पे अपने अपने चले जाइए, अपने सुरक्षित जगह, वही है अपना सेफ रहना, क्योंकि लेपर्ड का क्या, लेपर्ड तो चलो थोड़ी घात लगा के या छतों पे भी आ जाता है, टाइगर का तो अलग ही सीन है, अलग ही सीन है वो तो। जहाँ कुछ आएगा करते हैं, कभी 2 दिन में वो देखने का, तो हम रोज ही देखते हैं यहाँ पर, कभी तीसरे दिन कभी दूसरे दिन, तो टाइगर की मूवमेंट है इतनी ज्यादा। हाँ बिल्कुल, अच्छा मूवमेंट बहुत ज्यादा है। चलो ठीक है अंकल जी, बाकी हम थोड़ी आगे जा करके देखते हैं घटना स्थल पे, है ना। तो अभी बारिश भी रुक चुकी है गाइस, बाकी अंकल जी ने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन अभी दे तो दी है, बट घटना हुई है जो चीजें थी अभी, जिस चीज को हम लोग जानना चाह रहे थे। तो चलो गाइस अभी चलते हैं थोड़ी आगे की तरफ। तो गाइस कुछ अभी इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, पहाड़ों पे बकरियां हैं और अंकल जी अभी लेकर जा रहे हैं बकरियों को। सेम इसी तरह से जो अभी अटैक हुआ है ना वो लेडी पर, कहने को तो अभी जो भैया मिले थे उन्होंने बोला कि वो अटैक टाइगर ने किया है। थोड़ी कन्फ्यूजन इस बात से लग रहा था कि उन्होंने ना स्टार्टिंग में बोला था लेपर्ड का अटैक हुआ है, बट जैसे ही हमने उन्हें और आगे पूछा तो उन्होंने फाइनली बोला कि वो टाइगर था, अपनी फैमिली के साथ में था, और जो महिला थी वो सुबह के समय अपनी बकरियों को चुगाने लेकर गई थी जो चारागाह बने हुए हैं पहाड़ों पर उस जगह पर, तो अचानक ही उन पर टाइगर ने हमला कर दिया,
बाकी अभी हम कंटिन्यूसली आगे तो बढ़ रहे हैं उस जगह की तरफ। अगर आपको मैं मौसम की बात करूँ तो आप चेक कर सकते हैं अभी क्या सुंदर सा नज़ारा हो रहा है। बट इस जगह पे ना गाइस अभी हम लोग काफ़ी स्लोली बढ़ रहे हैं क्योंकि आगे की तरफ जो बीजन है ना वो कम ही देखने को मिल रहा है। तो अभी ना सड़कों की दोनों साइड ये वाइट पट्टियाँ देखने को मिल रही है तो थोड़ी इससे चलने में काफ़ी ज़्यादा मतलब सुविधा हो रही है। जहाँ पे ये वाइट पट्टियाँ नहीं देखने को मिल रही है ना वहाँ पे थोड़ी चलने में भी दिक्कतें हो रही हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं जो कि हमें सड़क को दिखाती है। बाकी देखते हैं गाइस आगे उस जगह पर जाकर क्या चीज़ें उस जगह के लोग कुछ अपडेट के रूप में अभी देते हैं और आपको दिखाते हैं उससे। तो अभी तक ना मौसम भी थोड़ी एकदम फॉगी फॉगी सा हो रहा था, अचानक से आगे की तरफ थोड़ी विजन क्लियर होने लगा है। बाकी जो जगह थी ना भवन खाल के आसपास की उस जगह पे था काफी ज्यादा फॉग। तो अभी हम कंटिन्यूसली आगे की तरफ चल रहे हैं। बाकी देखो अभी रास्ते में भी हमें पूछना पड़ सकता है इस जगह पे, क्योंकि रास्ते अगर आगे कटेंगे ना तो उस जगह से थोड़ी हमें दिक्कतें होंगी अगर साइन बोर्ड नहीं होगा। बाकी चल रहे हैं कंटिन्यूअसली। फिर आधे घंटे बाद वहाँ गांव के पास दिखाई देना उसको, वहाँ वो जो वो चेंज हुआ है टाइगर, ये पता टाइगर बड़ा है क्या इतना बड़ा? मैंने सुना कि वो बच्चों के साथ में है। बच्चों के साथ में? बच्चों के साथ में तो वो पहले तो ऊपर था। हाँ ये जो आज का है या कल की? अच्छा बकरी कहाँ चला रही थी? मेरे घास काटने के लिए घास काट हमें जैसे वो गए ले गई। अच्छा घास काटने ये और जो रोल छा पारू नो रोल तो रोल ना ये मूल इधर आए थे। अच्छा देखने हाँ तो अंकल जी हैं साथ में ये बता रहे हैं। हाँ ये नीचे आ गया, ये जो नीचे आ गया ना ये। हाँ ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं वो। हाँ अच्छा रोली मोर। हाँ उनके वल्ली तरफ से वहाँ पर घास काट रही थी वो वहीं पर नहीं थी। अच्छा वो घास काट रही थी यहाँ पे? हाँ जैसे लेडीज गई ना घास काटने। हाँ हाँ सामने वो भी गए सामने उस जगह पे कुछ लेडीजें दिखाई दे रही हैं। हाँ इस जगह पे। अच्छा ये यहाँ पे नीचे घास काट रही थी नीचे नीचे। हाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ दिखाई दे रहा है। ये तकड़ा ही गधेरा है। गधेरा नहीं है गधेरा आगे रॉल रॉल बोलते हैं इसको। रॉल बोलते हैं ये वल्ली तरफ जो पेड़ है। अच्छा अच्छा ये पेड़ सामने में घास आते हैं कि यहाँ से वार करके फिर वो नीचे को भागा। हाँ फिर नीचे को भाग फिर आधे घंटे बाद वहाँ दिखाई दे। कहाँ कहाँ? वो गांव है ना वो वाला वो जो घर उधर दिखाई दे रहे हैं इधर वाले मतलब यही सी नाले नाले आगे को गया वो नीचे को भाग पैदल का ही होगा या नीचे नीचे गया वो तो। अच्छा ये गांव वाले का रास्ता है पाइपलाइन जा रही पानी की या तो उसकी जगह यहाँ है। अच्छा ये जगह में ये तो इनकी पाइपलाइन है या जगह है फिर ऊपर ये गधेरा गया ना जो ऊपर को। अच्छा 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 ऊपर ये रोड से ऊपर। अच्छा अच्छा हाँ या तो अड्डा उसका वहाँ है वो जगह उसका मेन अड्डा है मेन अड्डा उसके यहाँ बड़ा है वो तो है जी बता रहे बहुत। तो कितने टाइम से देखा जा रहा है कुछ अंदाजा?
इसने तो कांड हो गए यहाँ, एक तो एक्सपायरी हो गया, लोहेड़े का ही था वो, लोहेड़े का ही। पहले भी अटैक हुए, पहले एक लड़के पे हुआ था, उधर हुआ था वो बकरे के सांप किया हुआ था, तो वो हमला क्या ऊपर वो एक्सपायरी हो गया। अच्छा अच्छा, फिर एक हमला उसने कोठल गांव में कोई 3 साल का बहन था ना, अच्छा उसको अंदर बांध रहे थे, अच्छा उस पर छापा मार दिया उसने, ये जगह फाड़ दिया। अच्छा उसी टाइम, अच्छा तो बड़ा खतरनाक हो रहा है, इसने सारा यहाँ परेशान कर दिए। और एक कल वहाँ तड़म में वहाँ का कांड हुआ है, तड़म में भी, हाँ तड़म, और एक नेवल गांव में कर दिया उसने, ऐसे पूरे एरिया को मतलब पूरा कब्जे में ले रखा है उसने, कब्जे वो एक नहीं है, पता नहीं कितने हैं। अच्छा कितने हैं, सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ वही है, ऊपर तो है वो 2 बच्चों वाला। अच्छा ऊपर 2 बच्चों वाला है, हाँ नीचे नीचे अब वो सुबह जब दाढ़ी होगी तो क्या पता उसके साथ बच्चे थे या नहीं थे, वो पता नहीं। अच्छा मगर है क्या अंकल जी, कंफर्म नहीं हो पा रहा थोड़ी ना, अब हमारे यहाँ तो बाघ कहते हैं, वो धारीदार है, धारीदार धारीदार है ना, चीता तो होता है स्पॉट पड़े होते हैं उसमें, लेपर्ड जिसे बोलते हैं, मगर जो बाघ कहते हैं पहाड़ों में वो धारी वाला, धारी वाला है, तो टाइगर है, मतलब धारी वाला है वो, टाइगर है फिर। ये है परिस्थिति, हाँ ये पंजरा हमारा, ये पुराना पंजरा था, ये नीचे वो उसी नाले पे को नौ बना हुआ है, हाँ नोला बना हुआ है। परिस्थिति खतरनाक है। तो गाइस ये जगह है जिस जगह पर आज सुबह अटैक किया है, मेरे जब अटैक किया उसके बाद कोई जा रहा था इस रास्ते से, जो तो गूल आ गई है तो उनको भी दिखाई दिया बल वहाँ वो। अच्छा वो यहाँ से अटैक करने के बाद, यहाँ के बाद वो सीधे वहाँ भाग गया। अच्छा सड़क पे आता है, सड़क के ऊपर भी उसका अड्डा है, ऊपर है वो गधेरे में, तो मतलब आप तो 2-3 दिन तक ये अच्छे से परेशान करेगा, ये तो हर बार परेशान कर रहा है, बच्चे डर के मारे जा नहीं रहे पैदल हरड़ा को, उसके साथ में बच्चे है ना, हाँ कभी भी अगर वो दिखाई दे रहा ना, जब किसी के नजरों में आ रहा तो रोड में भी दिखाई दे रहा हो, इधर को जंगली जानवर तो है नहीं, ना और नहीं, जड़ाव चितों के वो है इधर, वो है काखड़, काखड़ है, काखड़, काखड़ उसके पकड़ में नहीं आ रहा होगा ना, रामनगर अस्पताल में है जी, वो उन पर अटैक ही नहीं, वो रामनगर है, मनकाल में जाके पट्टी पट्टी खून रुकाया था, पट्टी बांधी थी, अच्छा टीका लगाया था हॉस्पिटल, तो वार कहाँ हुआ उनकी, कहाँ पे किस जगह वार हुआ, उनके शरीर में चोट कहाँ लगी हुई है, एक सिर पे लगी है, ज्यादा सिर पे लगी है और यहाँ कमर में लगी है, कमर और सिर पे, कमर और सर पे पंजा मारा होगा, यहाँ पर घाट लगा सिर में ज्यादा, तो ऐसे क्या झपटने का खाने की कोशिश कर रहा था क्या, अरे वही है ना, बच्चे हैं उसके साथ में, बच्चे हैं उसके साथ में, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। तो गाइस अभी ना जो यहाँ के लोकल विलेजर्स हैं उन लोगों की मुंह जुबानी आपको मैं इस जगह को दिखा भी रहा हूँ और साथ ही सुना भी रहा हूँ। तो इस जगह पे ना अभी कुछ महिलाएं जो हैं, ये देखिए एक महिला सामने सड़क की तरफ से आ रही है घास लेकर, और कुछ महिलाएं इस खेत पे नज़र आ रही हैं। तो अभी ना गांव में होता है क्या है कि सुबह के समय और फिर दिन के खाना खाने के बाद गाँव की औरतें अपने पालतू जानवरों के लिए चारा लेने जाती हैं, सेम थिंग कि वो लेडी भी जो अभी इस जगह पे आके सुनने को मिला है कि वो भी चारा लेने गई थी, घास काटने गई थी, तो उसी बीच में इस जो नाले वाली जगह है ना, ये आपको दिखाता हूँ, ये पूरा नाला आ रहा है, तो इस तरह से ये नाला आगे की तरफ जा रहा है, देख रहे हैं ये जा रहा है पूरी तरह से आगे की तरफ। तो इस जगह पे जब महिला सामने इस तरफ घास काट रही थी तो अचानक से टाइगर आया, शायद उन्हें पता भी नहीं होगा क्योंकि जंगली जानवरों का अक्सर जो होता है ना गाइस, वो घात लगा करके हमला करने वाली चीज़ें होती हैं, तो शायद कहीं टाइगर घात लगा के बैठा होगा, महिला को देखा होगा और अचानक से आकर के उसने महिला पे अटैक किया। और जो लोकल लोगों का कहना है कि एक तो सर पे उनके पंजे के निशान मिले और दूसरे उनकी कमर पर, तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। बाकी अभी कुछ दिनों तक तो इस जगह पे ऐसे हालात रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो चीज़ें अभी कंफर्म हुई है ना, थोड़ी हम लोग लेपर्ड और टाइगर में कंफ्यूज हो रहे थे कि है तो है क्या, अभी आपने सुना ही होगा अंकल जी भी कह रहे थे कि बाघ है बाघ है,
पहाड़ों पे ना अक्सर टाइगर को बाघ बोला जाता है, और जो लेपर्ड होता है गाइस उसे बोलते हैं कुकरी बाघ, मतलब कि अक्सर वो कुत्तों पे अटैक करता है लेपर्ड, या फिर पालतू जानवरों पर, बट उसे लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कुकरी बाघ कहा जाता है, और जो टाइगर होता है उसे कहा जाता है बाघ। तो अभी ना इस जगह पे बाघ की मूवमेंट देखी जा रही है, और बाघ ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो ये तो कंफर्म हो गया है कि बाघ है और है बच्चों के साथ में। तो ये चीज़ें हैं अभी इस जगह से, बाकी आपको लोकल लोगों की मुँह जुबानी भी सुना दिया है। आगे की तरफ अंकल मिले थे, और अभी लोहेड़ा गांव जहाँ पे की घटना हुई है वो जगह आपको दिखा दी है। तो सामने की तरफ कुछ इस तरह का नज़ारा है, और हल्की हल्की बारिश हो रही है गाइस, आप चेक कर सकते हैं, थोड़ी बालों में भी पानी आ गया, और स्किन पे आपको अगर दिख रहा हो तो पानी की जो बूंदें हैं बारिश की वो देखने को मिल रही हैं। तो ये चीज़ें हैं, और अभी थोड़ी बनते हैं इस जगह पे, थोड़ी लोकल लोगों की मुँह जुबानी अगर इस जगह से, उन महिलाओं की अगर गाइस इस जगह से जो लोकल लोग हैं उनसे अगर उन महिला की कोई फ़ोटो वीडियो कुछ भी मिल जाती तो आपको इस वीडियो में वो भी मेंशन करके दिखा दूंगा। तो अभी चीज़ें तल्ला लोहेड़ा गांव की वो महिला है, और अभी हमें बीच वाले लोहेड़ा गांव में, और सामने ये हाईवे, हाईवे के जस्ट कुछ ही दूरी पर, यही कोई 50 से 60 मीटर की दूरी पर टाइगर का अटैक हुआ है। ये जगह है लोहेड़ा वाली, क्या हुआ अंकल जी? तो गाइस ये जो जगह है ना, इस जगह पे आकर अभी मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, इधर की तरफ अभी ये पेड़ तो दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा कोहरा आ चुका है, फॉग एकदम उड़ के आ रहा है। तो अभी हमें ना यहाँ के जो लोकल विलेजर्स हैं उनके जरिए इस जगह की वो वीडियो मिली है, जिसमें या तो टाइगर है या फिर वो है लेपर्ड, क्लियर हो नहीं पा रहा है बट भागते हुए नज़र आ रहा है। तो ये जगह है, वो वीडियो आपको वीडियो में मैं दिखा दूंगा क्लिप के तौर पर। कुछ भी अगर वो मतलब झपट रहा है तो समझ लो इसका मतलब वो आदमखोरी की तरफ बढ़ रहा है, या तो ये समझे लोग उसको ये कह रहे थे कि चलो ठीक है इसके बच्चे हो रखे, इसको कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा होगा, तो ये तब अपने खाने पीने के नहीं मिल रहा है तो ये किसी को भी पकड़ दे रहा है, हो सकता है ऐसा हो, इंसानों के लिए तो खतरा है ना। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं वापस, जहाँ से कि आज हमें अपडेट जो मिली थी, जो घटना स्पॉट था उस जगह से लोकल के लोगों ने हमें काफ़ी सारी उस जगह की जो आज घटना थी उसकी इन्फॉर्मेशन दी, उन्हीं की मुँह जुबानी आप लोगों को सुनाने की कोशिश की। बाकी चीज़ें यही थी गाइस टोटली मिलाकर के, है क्या कि जो महिला थी उन पे किया था लेपर्ड ने अटैक, काफ़ी थोड़ी कंफ्यूजन हो रहा था कभी लेपर्ड है कभी टाइगर है, बट जो फाइनली रिजल्ट निकल कर आया वो हमें एक वीडियो मिल गई थी जो कि मैं क्लिप में आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, तो उसमें आपको जरूर नज़र आ रहा होगा कि वो लेपर्ड है और अपनी फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में है। तो अभी ना वो कर क्या रहा है कि ह्यूमन बींग्स पे अटैक कर रहा है, ये आज पहला अटैक नहीं है, इससे पहले भी इस जगह पे कई अटैक लेपर्ड कर चुका है, बट आज इस घटना को जो अंजाम दिया है ना, ये मतलब गांव के लोगों ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि ये फिर से कुछ इस तरह की घटना होगी, बट होने को तो आज से कुछ टाइम पहले ये घटना हुई थी, ज़्यादा नहीं एक डेढ़ महीने का स्पेस था, इस बीच में फिर से चीज़ें नॉर्मल हुई, लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगे,
लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये इस तरह की घटना फिर से होगी, बट था क्या कि उस जगह पे जो लैपर थाना का इस वो पूरी तरह से ओझल हो गया था, गांव वालों को नहीं देखने को मिल रहा था। बट दो चार दिन से अभी गांव वालों का कहना था कि लैपर दिखाई दे रहा था, ज़्यादा नहीं गए। जैसे अभी कि मैं इस तरह की सड़क पे खड़ा हूँ ना, इस सड़क से जैसे ये डीप में थोड़ी बहुत गहराई दिखाई दे रही है ना आपको, इतनी ही गहराई पे 20 से 30 मीटर की दूरी पर वो महिला गई थी घास काटने के लिए। तो टाइगर नीचे रौले से, दो पहाड़ी वाली जो जगह मिलती है ना उसके बीच में एक रौला सा बन जाता है, पानी उस जगह से जाता है, तो उस जगह से लैपर्ड आया और अचानक से लेडी पर हमला कर दिया। तो फाइनली अभी वो लेडी तो काफ़ी ज़्यादा चोटिल हैं और उन्हें गांव के हॉस्पिटल तक लेकर आए, जैसा कि उनके बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ब्लड आ रहा था, तो उसे रोकने के लिए थोड़ी उन्हें पट्टी ट्रीटमेंट किया गया। और फाइनली जब ये चीज़ें हुई वहाँ पे, तो उसके बाद उस हॉस्पिटल से रामनगर के जो सरकारी हॉस्पिटल में गाइस उन्हें रेफ़र कर दिया है, उस जगह पर उन्हें लेकर जाया गया है। तो अभी वो महिला वहाँ पर हैं, अगर हो सके तो इन फ्यूचर आपको आपके कंटेंट के माध्यम से उन्हें भी ज़रूर दिखाएंगे हम, अगर उनसे मिलना हो पाया। वैसे तो जैसे अभी हम घटनास्थल तक गए थे कि क्या चीज़ें थी, कैसी चीज़ें थी, कैसी जगह थी और क्या चीज़ें रही, उस गांव वालों की जुबानी आपको सुनाई दिया है। तो गाइस ये चीज़ें थी और क्या ही कहें, अभी माहौल तो कुछ इसी तरह का है पहाड़ों का। लोगों का कहना तो ये भी था कि अब 5 बजे के बाद शायद ही हम लोग घर से बाहर निकल पाएंगे, डर का पूरा माहौल है। और एनिमल्स का है क्या कि जब ये किसी घटना को अंजाम देते हैं ना, तो उस जगह पे पूरी तरह से रैकी करते हैं और इनकी कोशिश होती है कि ये फिर से किसी ना किसी घटना को अंजाम दें। बट जिस तरह से ये घटना हुई है ना, तो इसके साथ में तो उसके कब्स भी हैं, बच्चे भी हैं, तो ये ज़रूर इस तरह की घटना को अंजाम देगा, क्योंकि तो थोड़े पहाड़ों में क्या है कि वाइल्ड एनिमल्स कम है और जो है भी तो वो इनके हाथ में नहीं आता है, तो फिर ये गाँव के पालतू जानवरों को, ह्यूमन बींग्स को इन्हीं पर अटैक करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, बाकी कह सकते हैं आपकी माहौल बहुत ही खतरनाक हो रहा है। तो गाइस मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। उम्मीद है कि आपको आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो सुनकर थोड़ी अलग फील आया होगा, क्योंकि घटना ज़रूर हुई है, दिल दहला देने वाली है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो मिलते हैं गाइस आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।